तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा खास होने वाला, क्योंकि आज मेरे बच्ची का मुंडन है, तो इसके कारण हम लोग जा रहे हैं मामा का घर, और वहाँ पे जाके पूजा पाठ होगा, उसके बाद बच्ची का मुंडन होगा। तो सब कुछ इस ब्लॉग में दिखाएंगे, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी में, और मेरे साथ मेरे फैमिली भी जा रहा है। सब लोग पीछे बैठे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं मामा का घर। और यह मंदिर है, यहाँ पे ही पूजा होगा। सब लोग यहाँ पर ही बैठा हुआ है, देख सकते हो कितना भीड़ भाड़ है। और देख सकते हो माँ मनसा मंदिर कैसे सजा गया है। मनसा मा मनसा मा मनसा देवी मनसा। तो दोस्तों, अथय अभी खेल रहा है और पूजा स्टार्ट हो चुका है। आज देख गोसाई बाबा, गोसाई बाबा नमक दो, नमक दो, अखन देखो नमक दो। आज से पाए न तो जब खन दिए मेरे ऐसा जेठो पूजा को छे, ऐसा नमक कर गए, ऐसा माथा रे घेरे मुसे माथा रे मुसे नमो नमो एकदम चले आसो। और दादा और बसे रही है, बापी रही है, दादा रही है, चले आसो। तो दोस्तों, पूजा समाप्त हो गया है और अतुल का मुंडन भी समाप्त हो गया। अब दिखाते हैं उसका फोटो, वो अभी कैसे दिख रहा है मुंडन होने के बाद। तो दोस्तों, बच्ची का मुंडन हो चुका है। थोड़ा अजीब लग रहा है उसको देखने में, मतलब पहले उसका सर पे बाल था, अभी एक भी बाल नहीं है, तो थोड़ा मतलब कैसा कैसा लग रहा है। और उस टाइम में वो बहुत रो रहे थे, इसके कारण वो वीडियो बना नहीं पाए। पूजा पाठ होने के बाद हम लोग गए थे मेला घूमने के लिए, और ये मेला फेमस है, मतलब एक ही दिन में ये मेला बैठती है और एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को भी इस मेले को शेयर कराते हैं।
तो चलिए दिखा दें आप लोगों को। সামনে রোড আছে বলছি চলো ওই যাবো চলে যাবো ওই জঙ্গল দেখছি জঙ্গলটা গেলে আচ্ছা মেইন রোড নেই ওটা মেইন ওটা একদম একদম আচ্ছা সেই তোমার নাম রোডটা বলছো হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আড়া কথা বলি না तो दोस्तों रास्ता काफ़ी ख़राब है और ख़तरनाक भी। इस रास्ते पे आ तो गए मगर पहुँचेंगे कैसे ये थोड़ा बता नहीं सकते। पत्थर से भरा हुआ और दोनों तरफ से रास्ता काफ़ी छोटा है और ऊंच नीच भी है, तो इस कारण जाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है ड्राइवर को। और दोस्तों ये रास्ता खतरे से खाली नहीं है, मतलब हम लोग ये गलत रास्ता पकड़ लें। ये रास्ता एक्चुअल फोर व्हीलर जाने का लायक नहीं है, मतलब जो लोग जा रहे हैं यहाँ पे बाइक लेके या तो साइकिल या तो पैदल जा रहे हैं, हम लोग ये फोर व्हीलर पे जा रहे हैं, थोड़ा रिक्स उठा के ही जा रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा है दोनों साइड से। पता नहीं ठीक ठाक जा पाएंगे कि नहीं। रोक क्यों दी, पीछे लो पीछे पीछे, पीछे।